Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 2 of exercise 6.2. Question number 5, we have to check whether 7, 49, 343 are in continued proportion or not. अब इसको फाइंड आउट करने के लिए इसका एक फॉर्मूला है और वो है a by b इज इक्वल टू बी by c। यहाँ पे देखिए b दोनों ही टर्म्स में है, राइट? इसी बेस पे हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब ये क्या हो गया, ये a, b और c, अगर इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, 7/49 इज इक्वल टू 49/343, राइट? इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7:49 इज इक्वल टू 49:343, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। सो 7 × 343 इज इक्वल टू 49 × 49, ये हो गया हमारा 2401 इज इक्वल टू 2401। सो यस, दे आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 6, we need to find the third proportional to, part 1 is 36/18, so let the third proportion be x, alright? तो इसका उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a by b is equal to b by c। तो यहाँ पे ये है मिड टर्म, तो यहाँ हमारा होगा 36/18 is equal to 18/x और 36x इज इक्वल टू 18 × 18 और x इज इक्वल टू 18 × 18/36। 18 × 1 = 18, 18 × 2 = 36, 2 × 1 = 2, 9 = 18, सो द वैल्यू ऑफ x इज 9, सो द थर्ड प्रोपोर्शन इज 9। सेकेंड वन, it is 5/1/4, 7, so let the third proportion be x, alright? So 4 × 5 = 20, 21/4/7 is equal to 7/x or 21/4 × 1/7। याद रखिएगा ये जो 7 है उसके नीचे 1 है, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, इज इक्वल टू 7/x। सो 7 × 1 = 7, 3 = 21 और 3/4 इज इक्वल टू 7/x और 3x इज इक्वल टू 7 × 4 और x इज इक्वल टू 7 × 4/3, 28/3, the value of x is 9/1/3. 9/1/3 is the third proportion. The third part of this sum is 3.2, 0.8. So the third proportion is x. So यहाँ हो जाएगा 3.2/0.8 is equal to 0.8/x और 3.2x is equal to 0.8 × 0.8 और x is equal to 0.8 × 0.8/3.2। अब यहाँ पे ये एक डेसिमल प्लेस हम शिफ्ट किए, ठीक है, तो ये होगी अराउंड फिगर 8, 8 × 1 = 8, 4 = 32, 4 × 1 = 4, 2 =
याद रखिए ये 0.2, ये डेसिमल का ख्याल रखना है. और द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0.2, सो 0.2 इज द थर्ड प्रोपोर्शन. क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट इज 7:5. और यहाँ पे ब्रेथ और विथ एक ही है, सो वो हो गया 20.5 सेंटीमीटर. सो वी नीड टू फाइंड द लेंथ. तो हम लोग लेंथ को x रखते हैं, तो अब इसका रेशियो क्या फॉर्म होगा, x इज टू 20.5 इज इक्वल टू 7:5. अब हम लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इनटू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है x इंटू 5 इज इक्वल टू 20.5 × 7, और x इज इक्वल टू 20.5 × 7/5. 5 × 1 = 5, 4 = 20.1, और x इज इक्वल टू 28.7 सेंटीमीटर. सो दिस इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. क्वेश्चन नंबर 8, द एजेस ऑफ अमित एंड अर्चना आर इन द रेशियो 4:5. ठीक है, अब बोला जा रहा है दैट अमित ही इज 4 years 8 months. ओके, सो व्हाट इज द एज ऑफ अर्चना, तो इसको हम लोग एक्स ले लेंगे. अब हम लोग क्या करेंगे, ये इयर्स और मंथ है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे पूरा मंथ्स में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 years में हो गया 48 months. 48 + 8 विल गिव अस 56 months. अब हम लोग इसका इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वो क्या हो गया, 56:x = 4:5. और अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि 56 × 5 = 4 × x, और 4x = 56 × 5, और x = 56 × 5/4. 4 × 1 = 4, 14 =, और x = 14 × 5 will give me 70 months. अब ये months है, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे बैक इनटू इयर्स एंड मंथ्स. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 70 विल बी डिवाइडेड बाय 12, जो कि हमारा आंसर होगा 5 years and 10 months. सो एक्स था अर्चना, सो अर्चना इज 5 years 10 months old. So with this we come to the end of exercise 6.2. Thanks for watching my video, and please don't forget to like, share and subscribe my channel. Press the bell icon and select all for every update.